ऑफिशियल अपॉलॉजी तो देनी ही चाहिए, बिकॉज जो उन्होंने ये चीज बोली है ये हिंदुस्तानी कोई भी नारे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन चीजों के लिए उन्होंने टिप्पणी की है वो हमारे सुहाग की निशानी है, वो इस तरह नहीं बोल सकते। उन्हें ऑफिशियल अपॉलॉजी तो कम से कम देनी ही चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज कोई भारत उनको माफ नहीं करेगी। मनकोटे ने जो भाषण दिया है ये बहुत ही अभद्र भाषा से उन्होंने जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए, जम्मू कश्मीर की बहनों के लिए बड़ी गंदी बातें बोली है, जो कि जम्मू कश्मीर की आदरणीय बहनों को बर्दाश्त नहीं हुआ। और आज उनके घर के सामने हम प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, और मैं हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एलजी साहब आप इमिजिएटली इसको अरेस्ट कीजिए और इनको बंद करके इनको पार्टी से रिजाइन देना चाहिए। मैं शॉर्टली आपको ये बताना चाहती हूँ। सभी बहन इसकी कड़ी से कड़ी इसकी निंदा करते हैं कि जो इन्होंने इतने अभद्र शब्द यूज किए, इसका रोष हम सभी जम्मू कश्मीर की बहनों में, भारतीय जनता पार्टी की बहनों में ही ऐसा कुछ है। पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी भी बहनें हैं उनको बड़ा ज़्यादा रोष है कि इन्होंने गंदे शब्द किए। उसके लिए हम अपने निवेदन करते हैं, उनको भी लेटर देंगे कि इनको जो है जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। और साथ ही साथ इतने गंदे इंसान को हम बोलते हैं कि राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है, जो माँ बहनों की इज्जत ही करना ना सीखे उनको राजनीति में रहने का हक ही क्या है। किनको जो है वो उन्होंने नाम लेके जो पर्टिकुलर किसी को नाम दिया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की महिलाओं के लिए ऐसा बोला था, तो हमें पता है कि वो किसको बोल रहे हैं और ये शब्द किसके लिए यूज किए हैं। तो इसीलिए इस वो सिर्फ एक बहन के लिए नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की सभी माताओं बहनों की उन्होंने बेइज्जती की है। वो बोलते हैं कि बिंदी और वो नहीं लगानी चाहिए, इसीलिए सभी भारतीय जनता पार्टी की बहनें जो है वो चूड़ियाँ लेकर आई है कि हम अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो आप चूड़ियाँ पहन लो। आज भारतीय जनता पार्टी और बहुत सी महिलाएं जो हमारे देश की हैं, जो जिनको जिनके अंदर ये रोष है आज कि बलवंत मनकोटिया जिन्होंने कल उधमपुर में भरी सभा में महिलाओं को इतना बदनाम किया है, हम उनके खिलाफ आज उनके पैंथर पार्टी के ऑफिस के बीच में यहाँ पे पूरी महिला हमारी जो है प्रोटेस्ट में है। हमें बहुत बुरा लगा है जो लैंग्वेज उन्होंने महिला मोर्चा के लिए और महिलाओं के लिए यूज करी, स्पेशली महिलाएं पूरे देश में जिनका है, पूरे हमारे भारतीय समाज में जहाँ पे महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है, उन्होंने इस तरह की हरकत की भी कैसे, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी महिलाओं के लिए इस तरह से बोलने की। उन्होंने हमारी केंद्र से आई हुई महिला के लिए नचनिया जैसा वर्ड यूज किया, इसके लिए हमारे पीछे बहुत रोष है, हर महिला को रोष है। सभी इस वक्त बहुत दुखी है कि उन्होंने ऐसे कहते हैं। मैं तो कहती हूँ बलवंत मनकोटिया, क्या तुम्हारे घर में क्या औरतें नहीं है, क्या तुम्हारी बेटियां नहीं है जो तुमने इस तरह से लैंग्वेज यूज करी है? तुम तो चूड़ियां पहन के तुम बैठे हो इस वक्त, इसमें तुम्हारे हालात है चूड़ियां पहनने के।